हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी मिसी को। दोस्तों आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो में मैं आज आपके साथ 3D लोगो शेयर करूंगा, जिसे आप अपने वीडियो में कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप इस वीडियो में 3D लोगो यहां पे लगा हुआ है। आप भी इस लोगो को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोडिंग हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इमेजेस को चेंज करना है, वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें ताकि सारा प्रोसेस को अच्छे से सीख करके आप भी अपने लोगों को इस तरह से बना के अपने वीडियो में लगा सकते हैं। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने देसी मिसी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोज मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो अपने इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने कहा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेंगे आप। तो आपके पास एक जिप फाइल आएंगे कुछ इस तरीके से, जो कि आफ्टर इफेक्ट की ये वॉल्यूम 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है देसी मिसी को चैनल पे और वेबसाइट पे भी, जाके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट हियर करना है। आपके पास फोल्डर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जैसा कि देख रहे हो। SS फाइल है जो अब मैंने यहाँ पे जो भी वीडियो यूज़ किया हुआ है, इसमें जो भी लोगो यूज़ किया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़। एंड देन यहाँ पे हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में मेरा एक नोटपैड फाइल है जिसे आप डिलीट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे दो आफ्टर इफेक्ट के फाइल दिख रहे होंगे आपको, एक लोअर वर्जन के लिए जो 13-14 के वर्जन के लिए आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, एंड हायर वर्जन 19-18-20 के लिए इस वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। दोनों में सेम चीज़ है बट अलग अलग वर्जन में ओपन करने के लिए दो फाइल दी हुई है। देन ये रेंडर जो MOV फाइल है, ये मैंने इसी फाइल का बना करके रेंडर करके इस फाइल में दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास अभी 2018 है तो मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। सिंपली सबसे पहले हम लोग अपने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ से फाइल पे जाते हैं, ओपन प्रोजेक्ट डेस्कटॉप, ये फाइल को ओपन किया, ये मेरे 18 के वर्जन, तो मैं इसे ओपन करूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे फाइल मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ से अगर हम प्ले करते हैं इस चीज़ को तो देख सकते हैं यहाँ पे 3D लोगो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, डन। तो अभी आपको चाहिए क्या कि इस इमेज को चेंज करना, जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई है DMS बोल करके, वो उस इमेज को चेंज करना। अब आपको अपना लोगो अप्लाई करना है वहाँ पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका इमेज चेंज करने के लिए बताता हूँ, ठीक है, कि आप इस लोगो को चेंज कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि SS में आपको फाइल है जो भी मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ। अभी मैं ये इमेज को यूज़ किया हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते होंगे आप। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा लोगो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। तो आप भी सेम चीज़ कर, ये फोल्डर को ओपन करने के बाद SS में आके लोगो में आके वहाँ पे उस फाइल को ला कर रख लें जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये ला के यहाँ पे रख लिया। अब इसे ड्रैग करके अब आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लें, यहाँ से यहाँ पे ला के छोड़ दें। यहाँ पे ये फाइल मेरा लोड हो गया, डन। अब क्या करना है आपको, 3D लोगो पर डबल क्लिक करना है। यहाँ से ये देखिए लोगो मेरा जो जहाँ बना वो ये पोर्शन यहाँ पे खुल गया। अब करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से जो सारा जो इमेज देख रहा है सबको शिफ्ट करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करना है एंड देन अल्ट दबा करके ड्रैग करके ला के यहाँ पे छोड़ देना है। तो सभी इमेजेस में वो इमेजेस अप्लाई हो गया, जैसा कि देख सकते होंगे आप। काफ़ी ईजी है, बस यहाँ पे एक बार मैं फिर अंडू करके सभी प्रोसेस को अच्छे से दिखा देता हूँ। ये इमेज को मैंने ड्रैग करके इस फोल्डर से ले आया, ठीक है, ड्रैग करके इस फोल्डर को यहाँ पे ले आया इमेज को। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे जो सारा इमेज इमेजेस हैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन सबसे नीचे वाले को शिफ्ट दबा करके क्लिक करेंगे सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद अल्ट को प्रेस करें कीबोर्ड से, इमेज को ड्रैग करके ला करके यहाँ पे छोड़ दें, तो सारा इमेजेस में वो इमेज रिप्लेस हो जाएगा, जैसा कि देख सकते होंगे आप, रिप्लेस हो गया है ना। अब हम मेन कंपोजिशन में आते हैं, यहाँ पे मेन कंपोजिशन में ये देख सकते होंगे आप, यहाँ वीडियो को अगर प्ले करते हैं आप तो यहाँ से वो इमेज रिप्लेस हो गया, जैसा कि देख सकते होंगे आप, है ना। तो काफ़ी ईजी है इमेज को चेंज करना, काफ़ी ईजी है, आप कुछ इस प्रोसेस से इमेज को चेंज कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे वीडियो में अप्लाई करने की, अब तो यहाँ पे क्या करें, इस वीडियो को आप डिलीट कर दें और जहाँ पे भी यूज़ करना होगा तो आप इस 3D कंपोजिशन को ड्रैग करके आप अपने कंपोजिशन में यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से मैं एक दूसरा कंपोजिशन बनाता हूँ कोई भी, जैसे मैंने एक कंपोजिशन बनाया, यहाँ पे मेरा कंपोजिशन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ कुछ भी यहाँ पे, जैसे इस पर डबल क्लिक करते हैं यहाँ से, ये ब्लैक, ये देखिए ये मैं समझ लीजिए आपका ये मूवी है, कुछ भी बैकग्राउंड इमेजेस है, वट एवर। अब यहाँ पे यूज कैसे करना है आपको, ये 3D लोगो जो देख रहा है सिंपली से ड्रैग कर लेना आपको यहाँ पे। अब इसको प्ले करेंगे, देख सकते हैं ये सेंटर में आ रहा है, इसे आपको यूज नहीं करना है। आपको किसको यूज करना है, मेन कॉम्प को यूज करेंगे तो आपका वो जो लोगो है एग्जैक्ट जगह पे फिट दिखेंगे, आपको देख सकते होंगे, देखिए है ना। तो मेन कॉम्प को आप यूज करेंगे तो आपका जस्ट ड्रैग करके आप अपने वीडियो में यहाँ पे ला ले आएंगे। इसे कंट्रोल DDD करके डुप्लीकेट कर लेंगे एंड देन सभी को एक वन बाय वन करके एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से, है ना। जैसे भी प्ले होंगे वो तो सारा एक के बाद एक दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएंगे।
और अगर आप चाहते कि नहीं इसे आप आफ्टर, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि अब इसे आफ्टर इफेक्ट में यूज़ नहीं करना चाहते, इसे आप कमटासिया में वाटर किसी दूसरे एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो भी काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको आना है यहाँ पे मेन कॉम पे आना, इस पर यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है इस पर, एंड देन यहाँ पे फील पे क्लिक कर, सॉरी यहाँ पे हो गया, इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फील पे क्लिक करना है आपको, देन सिंगल कलर रखना है ओके, एंड देन यहाँ कलर पे आकर के इसे कर ले ग्रीन। अब जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन स्क्रीन कमटासिया में हटाना काफ़ी ईजी होता है, इसे ड्रैग करके नीचे कर लेंगे। अब इस फाइल को आप आसानी से रेंडर कर ले, एंड देन कमटासिया में जाके ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे, वो लोगो अपने एग्जैक्ट जगह में फिट हो जाए जैसा कि आप चाहते हो, है ना। तो ये काफ़ी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसे रेंडर करके भी दिखा दूँ आपको। यहाँ पे जस्ट टाइमलाइन पे आ जाना आपको, आप कंपोजिशन में जाना, रेडी हो जाने के बाद आपको ऐड टू रेंडर क्यू पे क्लिक करना है, देन लॉसलेस पे क्लिक करना है, AVI को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे करना आपको क्विक टाइम। यहाँ पे ध्यान दिए, यहाँ पे H264 आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए H264 ओके, देन यहाँ से ओके, मेन कॉम पर जाकर के यहाँ पे क्लिक करके आप इसका लोकेशन चूज कर ले कि इसका लोकेशन कहाँ सेव करना है आपको। इसका लोकेशन मैंने सेम फॉल्ड सेम जगह पे दिया, सेव देन रेंडर। जैसे कि देख सकते हैं ये फाइल हमारा रेंडर हो गया। अब यहाँ से हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप भी अपने लिए 3D लोगो बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये लोगो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।